फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का, रात का डिनर बनाने का टाइम है। मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने पत्ता गोभी काट के पहले ही गैस पे बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अभी यहाँ ये तेल ले आए थे, ऑयल, सरसों ऑयल और रिफाइंड ऑयल ले आए थे, तो मैं इनको बोतल में डाल ले रही हूँ, क्योंकि रिफाइंड तेल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए हाफ लीटर ही मंगवाया है मैंने। और सरसों का तेल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ हर चीज़ में, तो इसीलिए सरसों का तेल और रिफाइंड तेल दोनों ही बोतल में डाल ले रही हूँ मैं यहाँ पे। आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की मंचूरियन। तो पत्ता गोभी काट के मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक पत्ता गोभी बॉईल होती है, चलिए तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैंने पत्ता गोभी बॉईल करने के लिए रख दिया, इसमें हवा निकल रही है, थोड़ा इसको पकड़ लेते हैं ना कस के, तो फिर हवा निकलनी बंद हो जाती है। हवा निकल रही है इसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने आटा लगा लिया है और पत्ता गोभी बॉईल हो रही है। तो इधर मैं चलिए काट लेती हूँ अदरक, कच्ची मिर्ची और लहसुन। तो मंचूरियन में लहसुन का ही ज़्यादा टेस्ट आता, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा लहसुन, अदरक और कच्ची मिर्ची का ही टेस्ट आता, तो यही मैं अभी चॉप कर लूँगी चॉपर में। फ्रेंड्स, अभी मंचूरियन का बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे पत्ता गोभी थोड़ी गर्म है, तो मैं ठंडा पानी डाल के ठंडा कर लूँगी और फिर इसको पानी अच्छे से निचोड़ निचोड़ के पत्ता गोभी ले लूँगी बर्तन में। सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो पत्ता गोभी निचोड़ के, पानी निचोड़ के अच्छे से ले ली हूँ और इसमें कॉर्नफ्लोर मिला लूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा भी मिला सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर मिला ली हूँ। यहाँ पे नमक ले लूँगी स्वाद के अनुसार और इसमें डाल रही हूँ अजीनोमोटो, इसको चाइना सॉल्ट भी बोलते हैं, तो चाइनीज़ आइटम में तो ये डालना ही होता है चाइना सॉल्ट। और यहाँ पर मैं ले लूँगी सोया सॉस। तो मैं क्वान्टिटी के हिसाब से ले रही हूँ, अपने अंदाज से ले रही हूँ, ऐसा कोई मतलब मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ मैं। और ये ले रही हूँ चिली सॉस, सब एक एक चम्मच ही डाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने चॉप कर लिया था वही ले रही हूँ। और इसमें तो इसी का टेस्ट ज़्यादा होता है मंचूरियन, तो इसमें 2 से 3 चम्मच मैं ये सब चॉप किया हुआ डाल ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला के बैटर बना लूँगी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, पत्ता गोभी ऑलरेडी पानी है तो उसी से हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का बैटर बना लेना है। तेल गरम हो गया तो मैं पकौड़ियाँ तल लूँगी मंचूरियन की, तो फटाफट से तल लूँगी। और केसब यहाँ पे उसको बहुत पसंद है मंचूरियन की पकौड़ियाँ, तो जब भी बनाती हूँ वो पहले खाता ही खाता है। बच्चे दोनों ही मेरे, दोनों को बहुत पसंद है, चाहे वेजिटेबल की बनाओ चाहे पत्ता गोभी की। तो ये देखिए यहाँ पे हाई बोल रहा है आप सबको। हेलो फ्रेंड्स, फटाफट से मंचूरियन बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, उसी कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया, तो तेल गरम हो गया है। अब ये चॉप किया हुआ रखा था मैंने, थोड़ा सा बचा के रखा था अदरक लहसुन और हरी मिर्च, तो वो डाल लेंगे पहले। उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी थोड़ा लाल लाल होने तक। फिर इसमें टमाटर सॉस जाएगा, टमाटर सॉस थोड़ा ज़्यादा ही आता है क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी मीठी होती है तो अच्छी लगती है, तो इसलिए टमाटर सॉस ज़्यादा जाता है। फिर इसमें सोया सॉस और चिली सॉस सब कुछ डाल लेंगे। तो यहाँ चिली सॉस मेरा ख़त्म हो रखा है, बस थोड़ा ही है। तो जितना होता है, जो होता है उसी में बना लेते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सामान नहीं है या कम है या ज़्यादा है तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेज कर लेते हैं, जितना जो भी होता है उसी तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल लूँगी अब सोया सॉस। अंदाजे से ही डाल लूँगी, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल शेफ तो है नहीं कि मेजरमेंट बताऊं। घर में जैसे बनाते हैं बस वैसे ही आप लोग को दिखा दे रही हूं, तो कुछ मेजरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। अब यहां पे फिर से मैं थोड़ा डालूंगी चाइना सॉल्ट, जिसको अजिनोमोटो भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि पकौड़ियों में हमने पहले ही नमक डाला हुआ, तो यहाँ पर देख के ही नमक डालूंगी, खाली सिर्फ जो ग्रेवी बन रही है उसी के जितनी। तो अच्छे से इसको मिला के फ्राई कर लूंगी। थोड़ी सी चीनी और डालूंगी क्योंकि हम लोग को थोड़ा मीठा पसंद है, सब्जी थोड़ी हल्की मीठी होती है ना तो अच्छी लगती है, तो मैं चीनी डालती हूँ। और ये जो पकौड़िया का बैटर का जो पानी थोड़ा सा रह गया तो उसको धो के फिर डाल ले रही हूँ इसमें, और जो चॉप करके रखा था उसमें भी थोड़ा पानी डाल के धो के डाल लूंगी ताकि कुछ वेस्ट नहीं जाए, सब यूज में आ जाए। और ये मैंने घोल लिया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल लिया है पानी में। तो पहले इसमें पानी हम पहले डालें क्योंकि डालने के बाद गाढ़ा हो जाता है, तो पहले मैं पानी डाल लूँगी, जितना मेरे को चाहिए ग्रेवी उस हिसाब से पानी डाल लूँगी। अब इसको थोड़ा बॉयल हो जाए पानी, तब फिर इसमें वो कॉर्नफ्लोर जो हमने घोल के रखा वो डाल लूँगी। तो बॉईल आ गया, तो यहाँ पे मैं डाल ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर घोल के जो रखा हुआ था। तो इसको चलाते रहेंगे नहीं तो ना लम्स पड़ जाते हैं, तो इसको चलाते हुए पका लेंगे तो थोड़ी देर में पक जाता है अच्छे से और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है। और यहाँ पे बस ये मंचूरियन जो बना के रखी थी ये डाल लूँगी और बॉयल कर लूँगी। तो बस तैयार है मंचूरियन, कैसी लगी आप लोग को रेसिपी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड सब्जी बन गई है, तो कुछ भी हम बनाते हैं आइटम तो बर्तन तो एक्स्ट्रा होते ही होते हैं, तो बस जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो भी धुल लूँगी, साथ में सिंक में जो बर्तन है वो भी धुल के साफ़ कर लूँगी, फिर रोटियाँ बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बर्तन धुल गए हैं, अब रोटियाँ बना ले रही हूँ, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, तो बस मैं रोटियाँ बना के रख लूँगी फिर सबको खाना दूँगी। तो बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। फ्रेंड्स खाने पीने का काम हो गया है खत्म, अब आज का दिन खत्म होता है यहीं पे, और बस पानी लेके बैठ गई हूँ, गर्म पानी पीना स्टार्ट की हूँ तो गर्म पानी ले ली हूँ अपने लिए। और आज का ब्लॉग बस एंड करने का टाइम आ गया है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में। और अगर आप पहली बार हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ ऑल पर क्लिक करके, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।